सो गाइस फाइनली शाम हो गया गाइस और अंकल गया था मार्केट। अब मार्केट से देखिए क्या क्या चीज लाया है गाइस। ये देखिए एक पिज्जा लेकर आया है, ये छोटा साइज वाला पिज्जा है गाइस। और फाइनली ये देखिए चाउमीन है, और चाउमीन लेकर आया है गाइस। ज्ञानती जो रहा फिर मच्छर काट रहा था तो ज्ञानती बोल रही थी मच्छरदानी लाने के लिए, तो ये देखिए अंकल मच्छरदानी एक लेकर आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। आज का डेट है 26 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है गाइज दोपहर के 12:19 हो रहा है। और फाइनली गाइज हम लोग अभी कुरहा में आए हैं झोपड़ी में, और देख सकते हैं गाइज ये मेरा मचौड़ी है, इसे मचौड़ी भी कहते हैं, कुरहा भी कहते हैं, झोपड़ी भी कहते हैं। और फाइनली गाइज हम लोग गेहूँ को रखवाली करने के लिए आए हैं। अब देखिए मेरा गेहूँ है, ये सरसों है, तो ये मचौड़ी के अंदर हम लोग बैठे हैं गाइज। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, तो गाइज यहाँ से हम लोग देख रहे हैं गेहूं को, सरसों को यहाँ से गाइज, और भी देख रहे हैं कि कोई घास गाड़ने तो नहीं आया, मेरे गेहूं को कोई बर्बाद तो नहीं कर रहा है, सरसों को कोई बर्बाद तो नहीं कर रहा है। ये देखिए गाइज सरसों हमारे के यहाँ लोग काटने लगे हैं, वो देखिए वहाँ पर, और सरसों गाइज कुछ इस तरह होते हैं सर के ऊपर। गाइज हमारे यहाँ जब सरसों कटा रहा है तो कुछ इस तरह सर के ऊपर सरसों धोते हैं, ये देखिए सरसों को बोझा बांध के सर के ऊपर ले लिए हैं। फाइनली हमारे यहाँ जब सरसों और गेहूं जब तैयार होता है, फसल तैयार होता है, जब इसे काटते हैं गाय, तो वैसे ही हम लोग बोझा बांध के सर के ऊपर धो के और खलिहान में ले आते हैं, वहाँ पर पीटते हैं और उसको बहुत सरसों भी काटते हैं तो उसको सुखाते हैं तो उसको तेल पिराते हैं गाइज। गेहूँ का भी उसी तरह प्रक्रिया होता है, घर से ले आते हैं उसको गाइज मशीन के अंदर गेहूं को डालते हैं, सरसों तो हाथ से ही पीटते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा सरसों होता नहीं है। लेकिन कई लोग को सरसों मान लीजिए एक बीघा या 10 कट्ठा या 15 कट्ठा या 2 बीघा के होता है, तो गाइज वो मान लीजिए उसके पास फैमिली कम होते हैं, पीटने वाले नहीं होते, तो वो मशीन के अंदर भी कटवाता है। लेकिन मशीन के अंदर कटवाने से गाइज क्या है कि बहुत सारा जो सरसों होता है वो क्या है, जो भूसी होती है, जो राख होता है, उसको साथ साथ बाहर फेंक देता है, तो उसमें गाइज बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो 2 बिलांत का डंडा होता है इतना मोटा, और उससे पीटते हैं तो सरसों सारा झड़ जाता है। और फाइनली गाइज ये देखिए मेरा अभी सरसों अभी रेडी नहीं हुआ है, देखिए मेरा सरसों में फूल है, तो गाइज जब ये फूल आना बंद हो जाएगा, ये सरसों का जो ये फल है ये मोटा मोटा हो जाएगा, इसके अंदर दाना पकने लगेगा, तो इसको हम लोग भी काटेंगे। पहले राम राम से गेहूँ के अंदर से सरसों निकाल लेंगे, उसके बाद गाइज गेहूँ भी रेडी हो जाएगा, तो गेहूँ को भी काट लेंगे बाद में करेंगे, पहले सरसों को निकालेंगे। तो कुछ इस तरह हम लोग सरसों काटते हैं, और हो सकता है कि एक बार ही गेहूँ और सरसों दोनों रेडी हो जाए तो दोनों को एक बार ही काट लेंगे एक साथ। तो फाइनली गाइज गेहूं को देख लिए हैं और अब जा रहे हैं घर पे गाइज, भूख भी लग गया है, खाना खाएंगे। और ज्ञानते भी यहीं पे मचौड़ी मेरा खाली कर रहा है, ज्ञानते भी यहीं पे है खेत में ही, तो वो देखिए वहाँ पे मचौड़ी है, वहाँ पे ज्ञानती है, और फाइनली हम जा रहे हैं घर पे गाइज खाना खाने के लिए। और ये देखिए इस खेत में गाइज लील गाय नहीं खाया था, इसका गेहूँ देखिए कितना बढ़िया है। और सरसों देखिए गाइज गेहूँ से ज़्यादा तो लगता है सरसों हो गया, यहाँ पर ऊपर थोड़ा लोर रहा है, और अब हो जाएगा तो इसको काट के पहले निकाल लेंगे। और ये गाइज मेरा चाची का घर है, तो फाइनली ये जो घर है ये चाची अभी फिलहाल इस घर में रह रही है, लेकिन गाइज ये एक सबका घर है, साथ का घर है, लेकिन अभी चाची का घर है, और पहले सब यहीं पे रहते थे, इसी घर में हम भी रहते थे, और अब गाइज क्या है कि सब अलग अलग अपना अपना घर बना लिया है। सो गाइज फाइनली शाम हो गया गाइज और अंकल गया था मार्केट। अब मार्केट से देखिए क्या क्या चीज लाया है गाइज। ये देखिए एक पिज्जा लेकर आया है, ये छोटा साइज वाला पिज्जा है गाइज। और फाइनली ये चाउमीन है, और चाउमीन लेकर आया है गाइज अंकल, और टमाटर, टमाटर तो था पहले, एक टमाटर और भी लेकर आ गया, कोई बात नहीं, टमाटर भी लाया, एक लाइट था, लाइट बनवा ली, और एक लाइट जो पुराने वाला था गाइज, जो पुराने वाला लाइट बनवाया है। ज्ञानती को रात में मच्छर काट रहा था तो ज्ञानती बोल रही थी मच्छरदानी लाने के लिए, तो ये देखिए अंकुल मच्छरदानी एक लेकर आया है। और ये देखिए गाइज एक छोटा साइज का पिज्जा है, और चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं ये पिज्जा कैसा है। सो फाइनली गाइज कुछ इस तरह का पिज्जा है गाइज, जो हमारे यहाँ सिटी में गाइज इससे बढ़िया पिज्जा नहीं बनता है, कुछ इस तरह का पिज्जा बना के दिया है, और ये छोटा साइज वाला पिज्जा है गाइज, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा साइज का पिज्जा नहीं है। सो गाइज फाइनली शाम हो चुका है गाइज, शाम में डिनर के लिए खाना बन रहा है गाइज, सत्तू का लिट्टी, और ये देखिए चूल्हा पर बन रहा है गाइज, ये लकड़ी जला दिए हैं, ये देखिए जो पुराने घर से बांस का पराठे लाए थे वो लाए हैं, वो जला दिए हैं चूल्हे के अंदर, और ये देखिए आग जल रही है, और इसमें कढ़ाई चढ़ा हुआ है गाइज, इसमें तावा है। तो गाइज क्या है, आज सत्तू का लिट्टी बनने वाला है,
तो सत्तू भर के लिट्टी बनेगा, और खाने में सत्तू का लिट्टी गाइज बहुत ही स्वाद आता है। यदि चना के सत्तू हो तो और भी स्वाद बढ़ जाता है। तो फाइनली सत्तू कुछ इस तरह बनाते हैं गाइज, ये चना जौ के का, सत्तू गेहूं है, का और चना जौ और गेहूं को भूज के और पिसाते हैं गाइज। तो कुछ इस तरह ये और आटे के मक्की जैसा ही का। होता है, और इसमें कम पानी डाल के इसे भुरकुस के बनाए हैं गाइज। और इसमें प्याज और नमक मिर्च धनिया ये सारा चीज़ डाल के इसको भुरकुस देते हैं, और इसको बाद गाइज आटा बनाते हैं, उसको अंदर डालते हैं। फाइनली गाइज ये हो गया आटा। आटा इसको गूंथ दिए हैं गाइज, ये सूखी आटा का पान डाल के गूंथ दिए हैं, और इसमें गाइज क्या है वो सत्तू को भरेंगे तो ये लिट्टी बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइज लिट्टी बनाने के लिए गाइज पहले देखिए आटे का कुछ इस तरह का लोई लेते हैं, इसको गोल करके इसमें आटा फिर दोबारा लगाते हैं, और लगाने के बाद गाइज कुछ इस तरह करते हैं, और इसको अंदर गाइज ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो सत्तू बना के रखे हैं। तो सत्तू इस तरह प्याज मिला के और धनिया मिर्च वगैरह डाल के कुछ इस तरह बनाए हैं, और पानी इसमें कम डाले हैं गाइज ताकि ये सुनाए ना भुरकुसा जाए। और इसको बाद देखिए देखिए कुछ इस तरह बनाए हैं, और इसको बाद इसमें आटे के अंदर भर दिए हैं सत्तू को देखिए, और भरने के बाद गाइज इसको चौड़ी कर देंगे ये देखिए आटा लगा के। और इसको बाद गाइज देखिए चकला के ऊपर कुछ इस तरह कर देते हैं, और ये गाइज लिट्टी बन रहा है वो जो आलू का पराठा के जैसा जो लिट्टी बनाते थे उस जैसा नहीं बन रहा है, ये मोटा रहेगा गाइज ये देखिए कुछ इस तरह गाइज। और फाइनली इस तरह कढ़ाई के अंदर या तो तवे पे डालते हैं तो गाइज ये पक जाता है बहुत ही आसानी से। और फाइनली गाइज कुछ इस तरह लिट्टी हम लोग सत्तू को बनाते हैं, देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में गाइज एक लिट्टी जल भी गया है, तो कुछ इस तरह बनाते हैं। वो चलेगा, थोड़ा सा जला है। तो गाइज अभी ऊपर का थोड़ा थोड़ा जला, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली गाइज शाम हो चुका है, वीडियो कहीं रिपीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोस्तों पास शेयर के, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।